खा पी के। ये जी भाई का हिडन टैलेंट है। आज एक और चीज भी स्पेशल हो रही है कि भाई ये जी गर्मा गर्म देखे ऐसा क्या हो रहा है पीछे। ये जब तो ड्रोन है आगे उन्होंने एक हक से खत्म कर ली क्या तीन ने क्या क्या ये भाई फुल। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को स्पेशली सब्सक्राइबर्स को। आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। टाइटल आपने देख लिया होगा। आज हम प्रूफ करेंगे कि इमरान खान का शेरुज़ादा वफादार है या हमारा शेरुज़ादा वफादार है। तो वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी चलते हैं भाई को रिसीव करते हैं और साथ साथ आपको अपडेट करते हैं। ये जी अपनी दुकान से भाग चुका है। आज भागने की फुल ट्राइया कर रहा है। किधर गया जी शेरू? घर गया। आज एक और चीज भी स्पेशल हो रही है कि भाईजान जो हमारे शेरू है वो 7:30 बजे का टाइम उन्होंने दिया था। आज उन्होंने 2000 की हमें ट्रीट खिलानी है क्योंकि जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसमें प्रेसिडेंट की सीट पे वो दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे और लकीली सिर्फ वही सीट वो हारे हैं दूसरा पैनल और हम वही सीट जीते हैं। तो भाई ने 7:30 बजे का टाइम दिया था अपनी दुकान पर बुलाकर भाग चुके हैं। अब उनके घर जाया जा रहा है सिर्फ 2000 रुपये के पीछे। तो पहला जो वफादारी वाला सीन है वो शेरू भाई उसमें माइनस नंबर्स में चले गए। ये जी भाई आधा घंटा लेट करने के बाद बाहर आए हैं और अगर ये हमें दुकान पे मिल जाते तो हम इनकी तारीफ़ करते कि ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। इनके मसाला जात ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं और बहुत यंग बिजनेसमैन हैं। शुरू में हम थोड़ी तारीफ़ करेंगे ईजी करेंगे तो फिर इनकी असलियत बताएँगे। तो नंबर वन चीज़ भाई आप वफादार हैं कि नहीं? वफादार चलें लेकिन अभी तक जो आपने हरकतें की हैं आपके माइनस पॉइंट चाह रहे हैं। और इंट्रोडक्शन इनका यही है कि इनका नाम है जैन, प्यार से हम इन्हें कहते हैं शेरू। और ये मसाला जात का काम करते हैं, किराने की शॉप है और चावलों का सबसे ज़्यादा काम है इनका माशाल्लाह। और नंबर दो चीज़ ये है कि इन्होंने लगाई थी शर्त हमारे साथ, शर्त इस सेंस में कि ट्रीट थी खाने खाने की और वो ये हार चुके हैं। और 2-3 दिन से इनकी ट्राई थी कि लेट होता जाए नहीं बताना या इनके मुताबिक ट्रीट बताया ही मैंने इनको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। मजीद बता देते हैं आपके सामने भी कि ये सदर के जो इलेक्शन हमारे कैंडिडेट जीते हैं इनके कैंडिडेट हारे हैं, बाकी सारा इनका पैनल जीता है। इनका अपना वोट नहीं है लेकिन ये ऐसे ही शो करते हैं कि इनका वोट भी है और सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं दूसरे ग्रुप को। और बाकी आपको आगे चल के बताते हैं मजीद कि इनको 3 मूवीज बहुत पसंद हैं, एक हेरा फेरी, नंबर 2 वेलकम और नंबर 3 अपनी शादी की, जो अक्सर ये अक्सर ये लगा कर देख रहे होते हैं। और जब ये मूवीज़ देखते हैं स्पेशली हेरा फेरी और वेलकम तो इनकी जो हिडन टैलेंट है एडिटिंग का वो जागता है। तो ये ऐसी ऐसी एडिटिंग करते हैं फिर कि हम कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहते, ये हमें वहाँ अटैच कर देते हैं कि जहाँ जहाँ हम पहुँच भी नहीं सकते। तो वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो के अंदर। तो बाकी ये है कि ये अब मरी का भी प्लान कर रहे हैं, इनसे रहा नहीं जा रहा तो अब हम जाएंगे खाना खाएंगे और साथ मरी का भी प्लान करेंगे। तो बाकी मेरी तो ट्राई यही है कि किसी तरीके मैं ना जाऊं क्योंकि ये स्लाइक नहीं है भाई, बाकी देखते हैं। आज तबीयत भी बड़ी ख़राब है। नहीं तुझे ले जाना। अच्छा ले के जाना है ठीक है। तो ये भाई अब स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरा टूर, थैंक यू भाई। ठीक है ओके भाई। अपनी आखिरी आरामगाह पहुंच चुके हैं विंगोज और ऊपर देसी बाबू है। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी आखिरी आरामगाह पहुंच कर? जहां पैसे लगते हुए कुछ भी हो सकता है। ये जो रास्ते में मुनाफा शो कर रहे थे यहां पे आके इन्होंने एक हक से खत्म कर ली, क्या बात है। तो क्या है जो पहले बताया था वही बताएं भाई जान है। कल रात को जुमेरात की रात को अच्छा फ्राइडे स्टार्ट होते ही अच्छा तकरीबन 12-1 बजे यहाँ से निकलो। ऊंची बोलें थोड़ा। 12-1 बजे यहाँ से निकलो अच्छा। जैसे पहले हम पहुँचे थे ना मॉर्निंग में अच्छा वैसे ही पहुँचो। ठीक है फ्राइडे सारा दिन इंजॉय करो, नाइट इंजॉय करो, होटलिंग करो। सैटरडे को सुबह मॉर्निंग में खा पी के निकलो। शुक्र है आपने सच बोला, रस्ते में इसने यही प्लान कहा है। मैं ये बात ग्रुप में भी की है भाई, मैं नहीं जाना। शुक्र है सच बोला गया, मेरे से मुद्दा हट गया। आप जाओ मैं चला जाऊंगा। इनके पास भाई के पास टीम बी है टीम सी है लेकिन ये अपनी बात के पक्के हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपने जाना है तो जुम्मे की रात को जाए और मंडे को वापस आए। दो रातें ना आ जाए। 2000 रुपए की भाई आपने ट्रीट खिलानी है। 120 रुपए कल आपने गद्दारी की है। 120 के 120 रुपए गोलगप्पे काउंट करा दिए हैं, बाकी रह गए 1880 रुपए।
तो अभी हम जो खाएंगे भाई जो हमें डिस्काउंट देंगे रेट बढ़ा दिया उसके स्टफ चिकन और बाकी जो पैसे बच जाएंगे उसको आपको माफी नहीं मिलेगी। वो जो आपके जो दोस्त हैं बाकी के बड़ी ईद पे आपको बाकी के जो दोस्त हैं बाकी के जो दोस्त हैं उनके साथ हमको भी कुछ खाएंगे जाके आपके पैसे पूरे लगवाएंगे उसको मैं आपको उनका भी प्रोटोकॉल देंगे। बाकी अभी तक यही डिसाइड हो रहा है कि भाई कह रहे हैं कि मैंने आपके साथ नहीं जाना अगर आपने दो दिन वहाँ नहीं रहना। स्टफ चिकन हमने ऑर्डर किया है स्पेशल है यहाँ का, बाकी अभी आएगा तो जो पैसे हमारे बचेंगे वो भाई को माफ़ी नहीं होगी, वो हम कुछ और खाएंगे। जो बाकी दोस्त हैं इनके जो इनसे काफ़ी नाराज़ हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि भाई से मान जाएं और ये अपनी वफादारी उनसे भी शो करें। ठीक है भाई हाथ लाए मेरा, लेकिन उनको मैं कुछ भी नहीं खिलाऊंगा इस पार्टी में, सिर्फ मैं और तुम थे। तो बकाया पैसों का क्या करना है? बाकी बड़ी तो गोशत दूंगा तुझे। अच्छा अच्छा कसाई का ऑप्शन नहीं है? नहीं कसाई का ऑप्शन नहीं है, गोशत का ऑप्शन है, कीमा भी दूंगा सर। अब भाई अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं पठान मूवी के बारे, क्या कहना है आपका? उसमें बहुत ओवर एक्टिंग की हुई है। किसने? शाहरुख खान ने भी और जॉनी इब्राहिम ने भी। अच्छा आपने कहाँ देख लिया? मैंने उसका ट्रेलर देखा। अच्छा मुझे लगा कि बहुत ओवर एक्टिंग की हुई है। अच्छा अच्छा और आपने डांस भी देखा होगा दीपिका का? जी जी वो तो हिंदुस्तान में बैन हो गया। अच्छा तो आपने क्यों देखा है? उसमें कलर वो डाला जो तू नहीं पहनता हर जुमेरात को। नहीं आपने क्यों देखा फिर वो? उसमें मैं सिर्फ कलर देखने के लिए देखा कि जो तू कलर पहनता ना हर जुमेरात को। अच्छा उसमें वो कलर दीपिका ने पहना हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है आपकी काफी बारीक नजर है। हाँ भाभी को शिकायत लगानी पड़ेगी आपकी। भाई आपकी कब्ज ठीक हो गई लग रहा है आपके चलने से कि अभी तक आपकी कब्ज। ये भाई फ्राइज आ गई हैं और स्टफ चिकन में अभी वेट है इस वजह से आए बड़ा वेट। भाई थोड़ा अपना अंदर करें तब तक भाई हमें कुछ खा रहे हैं फ्राइज के साथ। ये जी भाई का हिडन टैलेंट है, ऐसी एडिटिंग करते हैं कि कभी ये पी के तो कभी ये वजीर आला हमदा शहबाज मुंतखब हो गए और आगे चलते जाएँ। क्या आवाज है क्या आवाज है इस्लाम क्या आवाज है ये हमदा शहबाज ओहो क्या बात है आगे क्या बात। ये जी गर्मा गर्म स्टफ चिकन हमें सर्व हो गया है, अब टेस्ट करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। क्या बात है जबरदस्त टेस्ट होने लगा है। सबसे पहले इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और क्या बात है जबरदस्त हाथ ला पर लगे जबरदस्त। नहीं नहीं आप हमें तारीफ करेंगे तारीफ करनी पड़ेगी, वैसे भी रीजा की तारीफ करनी चाहिए। क्या यहाँ सोच रहा है सोचता अपना। ये भाई आप कितने का दे रहे हैं पीस? 1350। कितने का? 1250। और अपने कज़न को कितने का देंगे? 1500 का बनता है। बाकी बुखार था फ्लू था फुल टेस्टलेस माहौल बना हुआ था लेकिन ये खाने का काफ़ी मज़ा आया है, मस्त ट्राई करें और इस तरह का कोई बंदा कोई बकरा ढूंढे लाजमी। फिलहाल भाईजान ये डिसाइड हुआ है कि हो गया डिसाइड, कल रात तक मेरी तबीयत देखी जाएगी और उस हिसाब से परसों रात को निकला जाएगा और हफ्ते की सुबह को पहुंचा जाएगा। हफ्ते का सारा दिन उधर रहेंगे और हफ्ते की रात उधर रहेंगे, इतवार की सुबह वापस आएंगे। ठीक है भाई अभी तक ये डिसाइड मेरी सेहत के लिए दुआ करें, आप मेरी सेहत के लिए दुआ करें अगर आप मुझे ले जाना चाहें अगर आपके पास कोई बेहतर गोली है। ये भाई आए हैं स्पेशल एक कंप्लेन के साथ। क्या कंप्लेन है आपकी भाई बताएं जल्दी, आपने तब से हमें वेट करवाया आपकी कंप्लेन क्या है? बोलें। अच्छा अगरियां में लाइया होंदिया ना कि तुम होरो किस शॉप से ली है? अच्छा ये बाइक से ली है आपने ये मैं बड़ी गिरी भी एक सैंपल के तौर पर लाया हूँ जो चंद एक निकली है ये छोटी छोटी हैं उसमें बाकी अच्छा ये भाई ने आईफोन पे जज्बाती हो गए मेरे साथ शर्त लगाई थी अगर छोटी एक भी गिरी हुई तो मैं एक किलो दूंगा। भाई, अगर ना हुई तो 500 रुपया मैं ऐसे दूंगा। क्या बात है, अब फैसला ये दो शेख बरादरी पे है। खुद दिखाने लायक नहीं रहे हमें। ये क्या बात है, ये है वो भाई, ये लो भाई जिन्होंने इनको हमारे ग्रुप में ऐड किया और उन्होंने सीढ़ी की तरह इनको इस्तेमाल किया ऐसे ही है भाई। ये भाई ने भी हमें ज्वाइन किया और देखें ऐसा क्या हो रहा है पीछे। ये जी अब हम चाय पीने आए हैं, बाकी दोस्त भी इकट्ठे हो गए
और मैं तो यहाँ बैठना नहीं चाह रहा क्योंकि यहाँ पर सर्दी है, तबीयत पहले ख़राब है। दोस्त को तो कहा है कि अपने घर ले जाए, साथ वाली गली में है, लेकिन वो भाई मान नहीं है। सड़क किनारे है का नाम, और ये सड़क किनारे यहाँ पे चाय का इंतज़ाम भी है और लूडो का भी, और काफ़ी रश है इधर, और ये स्नोकर का भी इंतज़ाम किया हुआ है उन्होंने, और ये सब अपनी तरफ से अंदर चले गए हैं। भाई का अपना एक स्नोकर क्लब है, लेकिन फिर भी इधर खेल रहे हैं क्योंकि ये भाई फुल सीखने की ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं। फाउल हो गया, फाउल हो गया, आपको मुर्गा बनाना चाहिए। फाइनल रिमार्क्स भाई दें आप, शेरू भाई को वफादारी में कितने नंबर देते हैं? मैच कितने? 10 में से? 10 में से मैं शेरू को 10 में से -1 नंबर देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले दिखाया कि आपको गिरियाँ दिखाई हैं। अच्छा अच्छा। जो बंदा अपने दोस्त को ऐसे 2 नंबरी कर सकता है वो पूरी दुनिया में मतलब किसी के साथ भी कर सकता है। अब अली भाई आप बताएं, आप शेरू भाई को वफादारी में कितने नंबर देंगे 10 में से? एक टके का। आप बताएं, आप शेरू भाई को वफादारी में कितने नंबर देंगे? 100 में से 100। क्या बात है, आपको उन्होंने पिछले महीने फ्री शहद दी थी, आपका कहना बनता भी है। और आप भाई शेरू को वफादारी में कितने नंबर देंगे? पूरे नंबर। क्या बात है। ये रियान स्नोक तोड़ेगा, देखते हैं क्या करता है। ओए मुकाबला, फुल मुकाबला जा रहा है इस टाइम। ओए ओए ओए, अच्छा तुक्का होना गया। अब क्या पॉइंट है? 7 पॉइंट है इसके, 7 पॉइंट। अच्छा इसके 6 है, इसके 7 पॉइंट। अच्छा, इसे 7 चाहिए जीतने के लिए। बुकिए का फोन आ गया। अच्छा, अगर ये हो जाता है तो फिर तू जीत जाएगा। ये क्या बात है, ये शेरू आ रहा है। ₹40। इसका कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मेरा इन्वेस्टर साथ है। चाली भाई आप हमारे साथ मरी जाना चाहेंगे? बजट पूछे कितना उर्दू जुबान में 10,000 रुपया बनता है, और जो किसके पास नहीं है, जो किसके पास नहीं है, और मरी जाने के लिए पास नहीं है, मरी जाने के लिए आप मजाक उड़ा रहे हो, जा रहे हैं। 10,000 रुपए ये बंदा ले आए, इसके ऊपर जितने होंगे वो मैं करूँगा। इसकी और मेरी जेब में कोई फर्क, आप ऐसा करें ना, पहले आप 10,000 लगाए, इसकी और मेरी जेब में कोई फर्क नहीं। मेरा 10,000, इसकी भी जेब खाली है, इसकी भी जेब खाली है, कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसकी जेब भी खाली है, मेरी भी खाली है। नहीं, आप ऐसा करें ना, 10,000 रुपया लगाए पहले, वापसी आके ले लें। जो ये 10,000 लगाएगा वो मैं पहले 5,000 अपने ऊपर लगाऊंगा। तो कह रहे पहले 10,000 लगाएगा। इन भाई की भी फेवरेट मूवीज में एक है हेरा फेरी और दूसरा है वेलकम। 10,000 भाई आप जाना चाहेंगे हमारे साथ? कभी भी नहीं ना सोची भी नहीं ये। और चौथी मूवी ये खुद अपनी बना रहा है, ऊपर से ज्यादा चीजें बिल्ली। और चौथी मूवी ये अपनी बना रहा है जिसके प्रोडक्ट है वो जो डायरेक्टर है छमा। और हीरो कौन है शायद? ये भाई ने अच्छा मशवरा दिया कि मजीद वीडियोस के लिए टिक ड्रोन लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये जब तू ड्रोन लेगा ना, ड्रोन जनाब शेखपुरा रह जाएगा और तू ठोकर पे पहुंचे। सही, हम बगैर चाय पिए जा रहे हैं, तब से ऑर्डर किया हुआ था हमें भाई चाय ले ली, अब हम बगैर उसके ही जा रहे हैं चाय पिए। ये बंदा जान बूझ के मना कर दिया। हमदा भाई आपने तो नहीं मना कर दिया चाय का? क्योंकि पैसे इसने देने थे। अच्छा अच्छा, ये भी हो सकता है भाई, बुरी सर्विस टीम थी।
तकरीबन आधा पौना घंटा हमने वेट किया और हमें चाय नहीं मिली, अब हम खाली हाथ जा रहे हैं, अब घर जाके ही चाय पियेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने गाड़ी अली को दे दी, उसकी अपनी है भाई, अली भाई की गाड़ी है। We will meet you in heaven. अली भाई के घर कम से कम 6-7 बाइक्स हैं और 4 में पेट्रोल नहीं होता है 2 पंचर होते हैं, 2 के कोई प्लग उतार लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, टोटल 8 हो गए। ये वकास भाई हैं, इन्होंने काफी अच्छी टिप्स दी हैं आज। मैंने इन्हें कहा है कि जी ड्रोन लें, ड्रोन से अच्छी कवरेज होगी, जो ये एक क्रिकेट वगैरह खेलती हैं हाल में ड्रोन के साथ उसका एरियल व्यू करें। सही सही, तो अच्छे व्यूज इन्हें आएंगे माशाल्लाह, अच्छे व्लॉग बनाते हैं रेहान साहब। तो अब बस करें, आप ज्यादा बोल रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।